मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में अब समाजवादी पार्टी के कदम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चांद नगर में एक ऑफिस का उद्घाटन कल किया है। कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कलीम जमई ने बताया है कि मुंब्रा शहर के कई अहम मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी अब इन पर काम करेगी। चांद नगर में ऑफिस की ओपनिंग की गई और समाजवादी पार्टी में कई लोगों को जोड़ा गया है। शकील अंसारी को चांद नगर इलाके की जिम्मेदारी दी गई है और ऑफिस की ओपनिंग के वक्त कलीम जमई, सैयद बादशाह, मन्नान शेख और समाजवादी पार्टी के अन्य तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। जी, समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी ही चूंकि एक विकल्प के रूप में बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है, लोगों में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है, लोगों की डिमांड है, चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ें। इसलिए कि जो नुकसान हो चुका है मुंब्रा के लोगों का, उस नुकसान की भरपाई किया जाए और मुंब्रा को विकास के रास्ते पर बदला जाए, लाया जाए। चांद नगर परिसर में इस कार्यालय का उद्घाटन किया, किसको जिम्मेदारी गई और क्या समस्या है चांद नगर? चांद नगर की जिस तरह से सारे मुंब्रा की समस्या है, उसी तरह चांद नगर की भी समस्या है। यहाँ लाइट टोरेंट का जो भी अजाब चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, उससे सारे लोग ग्रस्त हैं। और वो जो यहाँ स्कूल का मसला है, पानी का मसला है, इस तरह जो विकास के लिए सारे मुद्दे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे गार्डन हो, चाहे स्कूल हो, हर तरह के मुद्दे चांद नगर के, कि अच्छा एक जरखेज इलाका है, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी बसती है, जिसकी आबादी के अनुपात के हिसाब से यहाँ लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हमारे पास स्कूल नहीं है, म्यूनिसिपल के स्कूल नहीं है। और स्कूल अगर है तो उसकी हालत इतनी बुरी है कि किसी तरह स्कूल कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस चीज़ को फिर से कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, विकास करने के लिए चांद नगर के लोगों के बीच हम आए हैं। समाजवादी पार्टी के रेस्ट में विधायक तो आपके ऑफिस पर आए थे जी, 4-5 दिन पहले जी, आपके ऑफिस बंद थी जी, ऐसा क्या हुआ कि विधायक पहुंचे और आपके ऑफिस बंद थी, क्या वजह थी? चूंकि असल में जिस वो ऑफिस जो बच्चा जो लड़का वहाँ काम करता है, 10 बजे तक ऑफिस खुलता है हमारा, तो 10 बजे के बाद वो आए, इत्तेफाक से 10 बजे के बाद आए, ऑफिस बंद हो चुका था। और जो लोग भी जिनको अब वहाँ उसके बाद ऑफिस पे आए तो मुलाकात नहीं हुई, तो सारे लोग अरेना पे चले गए, वहाँ पर आदिल भाई के ऑफिस पर, वहाँ सारे लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ उनके साथ मिल करके लोग कार्यक्रम में गए। लोगों में ऐसी चर्चा है कि जहाँ पर आदिल भाई का बुलाया गया था अरेना पर, बता रहे हैं आप, वहाँ पर उन्हें बुलाया गया था लेकिन वो यहाँ ऑफिस पे आ गए, ऐसा कुछ बताया जी? जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। चूँकि पार्टी का कोई लीडर आएगा तो सबसे पहले ऑफिस आएगा, उसके बाद जो भी जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ जाएगा। तो चूंकि वो नेता हैं, लीडर हैं, विधायक हैं, उनको सब सारे तो पता है कि किस तरह हमको करना चाहिए। मालूम था कि पार्टी ऑफिस पे आने वाले हैं, तो बंद क्यों? नहीं, मालूम नहीं था, चूंकि उनकी दावत नॉन पॉलिटिकल विजिट थी उनकी, किसी कार्यक्रम में, किसी कबड्डी का गेम था, उसमें उन लोगों ने उनको इन्वाइट किया था, इसलिए वो आदिल भाई के कॉन्टेक्ट में थे। चूंकि हम लोगों को इतला नहीं हो पाई थी इसलिए ऑफिस बंद था, अगर इतला होती तो ज़रूर खुला होता। शकील भाई हमारे भाई है, तो शकील भाई को भी जिम्मेदारी दी है, आप जानते हैं यहाँ पे तो पहले से लावारिस वार्ड है और यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, जो भी नगर सेवक आता है यहाँ से उड़ जाता है। तो शकील भाई को इसकी जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी की ओर से कि यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मसले हैं, उसको हल किया जाए। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई कार्यालय काफ़ी दिनों से नहीं था और शकील भाई के नेतृत्व में या शकील की जिम्मेदारी में या शकील अंसारी की जिम्मेदारी में आज यहाँ खुला है, तो बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ के बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मसाइल हैं और ये समाजवादी का गढ़ रहा है। आज भले हम बहुत दिनों से कई टेनर से ऐसा एनसीपी के यहाँ नगर सेवक थे, हालांकि कोई फुल टाइम रहा नहीं, यहाँ पे सारे के सर्टिफिकेट गलत निकली और सारे के सारे सर्टिफिकेट रद्द हुई और यहाँ नगर सेवक नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हुआ। अब हमारी पार्टी यहाँ जमी है और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इसका असर हमें दिखेगा। यहाँ पे जो ऑफिस खुली गई है, इसमें शकील अंसारी जो है यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं और दूसरे मोहम्मद गौस साहब जो हैं वो युवा अध्यक्ष वार्ड के, और सपना मैडम जो बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं, कार्यकर्ता हैं,
समाजवादी में रही बहुत पहले से, वो वार्ड महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तीन लोगों का इन्होंने नियुक्ति लेटर दिया, इन्होंने नियुक्त किया है कलीम जामी साहब ने, आइंदा फिर वो लोगों की कमेटी जो जिससे बनेगी उसको नियुक्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ जो अबू असमी साहब ने और मेरे सदर साहब जो मेरे को यहाँ के लिए चुने, और यहाँ की जिम्मेदारी में अच्छी तरह पूरी निभाऊंगा मैं, जो भी समस्या है इंशाल्लाह उसको मैं हल करूंगा। क्या लगता है चांदनगर में क्या क्या समस्या है? आप मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं आज मैं कई सालों से देख रहा हूँ, मैं भी इसी चाल में अमीनाबाद चाल में रहता हूँ। मैं समस्या तो बहुत है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, और स्कूल की समस्या है, उधर सफाई नहीं है। इंशाल्लाह उसके लिए हम कुछ करेंगे, इसके लिए हमारी टीम उस पर काम करेगी इंशाल्लाह। बड़े बड़े दिग्गज लोग इस वार्ड में काम कर रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाओ? इंशाल्लाह उससे कुछ प्रूफ करके दिखाएंगे हम, जैसे बोलेंगे नहीं करेंगे, करेंगे हम बोलेंगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।